इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां रीवा के रेपिस्ट महंत का मददगार भोपाल से दबोचा गया। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फार्म हाउस पर ठहराया महंत की गिरफ्तारी के बाद भोपाल आया। रीवा के राजनिवास में लड़की से रेप के आरोपी महंत सीताराम की मदद करने वाले को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। वह रीवा का रहने वाला संजय त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पुलिस ने शनिवार को उसे रीवा के कोर्ट में पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट परिसर में वह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। यह नहीं, वह हंसता भी रहा। रेप की घटना के बाद त्रिपाठी ने रेप के आरोपी महंत को रीवा स्थित अपने फार्म हाउस पर ठहराया था। पुलिस जब दाबिश देने पहुंची तब आरोपी महंत को वह अपनी लग्जरी कार से बाईपास पर छोड़ाया। इसके बाद भी वह महंत की मदद करता रहा। एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि संजय त्रिपाठी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत 29 संगीन केस दर्ज हैं। पुलिस को उसने बताया कि उसे हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वर्तमान में वह जमानत पर है। हालांकि जमानत के वह दस्तावेज पुलिस के समक्ष नहीं पेश कर पाया। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि त्रिपाठी पैरोल लेकर बाहर आया होगा। इसके बाद वह जेल में दाखिल नहीं हुआ। पुलिस ने संजय के साथ उसके भांजे मयंक को भी गिरफ्तार किया है। संजय त्रिपाठी रीवा में वर्तमान में रेलवे स्टेशन के पास एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। रीवा प्रशासन शनिवार को उसका कॉम्प्लेक्स देखने पहुंची। बता दें, छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले महंत सीताराम दास को सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया था। महंत एक नए की दुकान में बाल कटवाने पहुंचा था। एएसपी शिव कुमार वर्मा के अनुसार बीते सोमवार की शाम अकोरी थाना नईगढ़ी निवासी हिस्ट्री सीटर विनोद पांडे के बुलाने पर किशोरी सतना से रीवा आई थी। किशोरी को झांसा देकर महंत से मिलने सर्किट हाउस लाया गया। उसे पहले सैनिक स्कूल के पास बुलाया गया, फिर वहां से गाड़ी के जरिए सर्किट हाउस के अंदर लाया गया। नाबालिग को महंत सीताराम उर्फ समर त्रिपाठी से विनोद पांडे ने मिलवाया। पीड़िता ने बताया था कि वहां महंत, विनोद और एक अन्य आरोपी शराब पार्टी कर रहे थे। उसे भी शराब पिलानी चाहिए। उसके मना करने पर विनोद और दूसरा शख्स बाहर से रूम बंद कर चले गए। महंत ने गलत काम करने के बाद अपने चेलों से उसे घर छोड़ाने को कहा। हिस्ट्री सीटर ने उसे धमकाया कि किसी को कुछ नहीं बताना। सर्किट हाउस के बाहर उसके जान पहचान वाले मिल गए। उन्होंने उसे आरोपियों से छुड़ाया। इसके बाद वह सतना चली गई। 29 मार्च की शाम पिता के साथ रीवा के सिविल थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। ले ले दिक्कत है? नहीं ठीक है, ले जाइए भाई। चलिए अंदर आते जाओ। किधर कोर्ट है? ये वाला थोड़ा पीछे पीछे